हापुड़ में पुलिस पेंशनर व सेवारत पुलिस कर्मियों की वेतन विसंगति संबंधी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी, पेंशन संबंधी आदि समस्याएं आती हैं। उनके निस्तारण के लिए पुलिस ऑफिस ने एक नंबर लॉन्च किया। यह नंबर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगा। शिकायत प्रकोष्ठ प्रभारी इस नंबर की निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे। जो भी शिकायत इस नंबर पर आएगी उसकी गुणवत्ता पूर्वक तथा समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस पेंशनर्स एवं सेवारत पुलिस कर्मियों की वेतन विसंगति संबंधी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी, पेंशन संबंधी आदि जो समस्याएं आती हैं उनके निस्तारण हेतु पुलिस ऑफिस में एक नंबर लॉन्च किया गया है। नंबर 9520 86 49 29 है। 9520 86 49 29 है। ये नंबर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगा। शिकायत प्रकोष्ठ प्रभारी इस नंबर की निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे। जो भी शिकायत इस नंबर पर आएगी उसका गुणवत्तापूर्वक तथा समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। CEO ऑफिस इसका पर्यवेक्षण करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि जो भी समस्या है आपकी, वेतन विसंगति को लेकर है, पेंशन को लेकर है, चिकित्सा प्रतिपूर्ति को लेकर है या अन्य कोई समस्या है, इस नंबर पर नोट कराएं, आपकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा। हापुड़ से KKD न्यूज संवाददाता अमित की रिपोर्ट। बांदानगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गुलर नाका में एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया और बताया कि मेरे दो लड़के हैं, जिसमें एक इशरत अली, दूसरा मुशर्रफ अली। जो दूसरा लड़का मुशर्रफ अली है वो मेरे साथ किराए पर रहता है और बड़ा बेटा इशरत अली मेरे मकान को हड़पना चाहता है और गुंडों को बुलाकर आए दिन झगड़ा फसाद करवाता है और मेरे घर में आकर मुझे और मेरे नाती नातिन को भी मारता पीटता है, जिसकी शिकायत मैंने थाना चौकी पर किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे मैं परेशान होकर आज पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने आई हूँ कि मेरे बड़े बेटे का मुकदमा लिखकर गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि आए दिन मुझे जान से मारने की धमकी देता है और गुंडों को बुलाता है। कहाँ रहते हैं? गुलर नाका। आज किस लिए आए हैं आप? कौन लोग? आपके बड़े लड़के आ करके? अच्छा, क्या नाम है उनका? आलिया बेगम। आपने एफआईआर नहीं किया? जब होश आया अस्पताल ले गए, उनको भी बंद करवा दिया, उनकी पकड़ा दिया, उनको भी। अच्छा अच्छा। उनको भी पकड़ा दिया धर के, जो मेरे हमदर्दी हो गए थे उनको भी पकड़ा दिया धर के, और मेरे साथ कोई कुछ नहीं कर पाया। पुलिस खड़ी रही वहीं मर्दना की चौकी की। अच्छा, मर्दना की चौकी इंचार्ज भी वहीं खड़े? हाँ, कोई मदद नहीं की, उन्होंने देखते रहे। तो आपने उनसे शिकायत की है? कोई शिकायत नहीं सुनते हैं हमारी। सबसे पास। आज कहाँ पे आई थी आप? आज मैं आपके पास आए थे। हम यहाँ भी दरखास्त डाले 5 साल में, मैं 2 दफे पहले भी डाल चुकी, आज भी डालने आई हूँ। अभी मुझको धमकी देते हैं कि मैंने ये टेलर दिया, जान से खत्म कर दूंगा मैं। अच्छा, आपके लड़के हैं वो? हाँ, मैं बताइए कहाँ जाऊँ। एक लड़का है छोटा, वो अलग रहता है, अपने बाल बच्चे पालता है, मदद करता है हर तरीके। बांदा से KKD न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट।